गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मीनू पांडे आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने वाइब्रेशन क्लास में। और फ्रेंड्स, मैंने कल प्रोटीन के बारे में वीडियो अपलोड किया था और वो आधा ही था। और नेक्स्ट वीडियो आज मैंने प्रोटीन से प्रोटीन का नेक्स्ट वीडियो डाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था सरल प्रोटीन, और सरल प्रोटीन में हमने कुछ मुख्य भोज्य पदार्थों के प्रोटीन के नाम पढ़े थे, जिसमें आपको दूध व दूध से बने पदार्थ, केसीन, लैक्टो एल्बुनियम, अंडा जो भोज्य पदार्थ है उसके प्रोटीन का नाम ओवल एल्बुनियम, ओबा वाइटेलियन, मांस एल्बुनियम, माउसिन, सोयाबीन ग्लाइसिनिन, लेग्यूमिनिन, बादाम एक्सेलिन, मक्का गैलोटिलिन जीन, मटर लेग्यूमिन, गेहूं ग्लाइडिन, ग्लूटेलिन जेलेटिन। फिर इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स फाइबर्स प्रोटीन। फाइबर्स प्रोटीन को देखते हैं। फाइबर्स प्रोटीन फ्रेंड्स, फाइबर प्रोटीन्स क्या होता है कि ये किसी घोल में घुलनशील नहीं रहते हैं। ये हड्डियों का ढांचा, त्वचा, नाखून तथा वस्त्र में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जैसे ऊतकों का कोलेजन, बालों का केराटिन, जैसा कि बाल का जो केराटिन होता है वो किसी चीज़ में घुलता नहीं है, मांसपेशियों का मायोसिन। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं देखते हैं संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन में फ्रेंड्स जो पहला है वो हमारा है न्यूक्लियो का प्रोटीन। न्यूक्लियो का प्रोटीन में यह प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। फिर आपका दूसरा है रक्त के ग्लोबुलियों तथा एल्बुलियों में पाया जाता है, इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। फिर तीसरा है फास्फोप्रोटीन। दूध के केसिनेज तथा अंडे के पीले भाग में ओवो वायलेटिन के रूप में यह पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये वाला जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे याद आ रहा है कि किसी एग्ज़ाम के में ये क्वेश्चन आया हुआ था। फ्रेंड्स, उसके बाद आता है प्रोटीन पर अम्ल की क्रिया होकर मेटा प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद आपका आता है कोएगुलेटिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन पर उष्णता तथा अल्कोहल की क्रिया होकर बनते हैं, उदाहरण के तौर पर उबले अंडे का सफ़ेद भाग। फिर दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें आपका प्रोटीओसिस, पेप्टोन, पेप्टाइडस आता है। फ्रेंड्स, ये जो प्रोटीओसिस, पेप्टोन, पेप्टाइड है, ये UGC नेट एग्जाम में इसका सिक्वेंस पूछता है कि सेकेंडरी व्युत्पन्न प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो आप अगर पेपर को उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई बार जो है ये इसका सीक्वेंस पूछा हुआ है, प्रोटीओसिस, पेप्टोन, पेप्टाइटिस। अब अम्ली एवं क्षारीय गुणधर्म के बदलते प्रोटीन अवशोषित पानी बाहर निकलकर सिकुड़ जाते हैं, जिसे सिनरेसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये सिनरेसिस भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिनरेसिस किसे कहते हैं। तो अम्ली एवं क्षारीय गुणधर्म के बदलते प्रोटीन अवशोषित पानी बाहर निकलकर सिकुड़ जाते हैं, जिसे सिरोसिस कहते हैं। फिर सेकेंड नोट जो मेरा है वो है जिलेटिन एवं केसिन प्रोटीन पर एंजाइम रेनिन से प्रोटीन जेल बनते हैं। अब फ्रेंड्स हम आते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन के कार्य तो फिर जहाँ तक है सभी को पता ही होगा कि प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं और प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो एक लाइटली हम इसको देख लेते हैं कि प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि नए नए ऊतकों का निर्माण होता रहता है, कोशिकाओं का जो है निर्माण होता रहता है, जो एक हम न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी वो पूरी तरह से ग्रोइंग स्टेप चल रहा होता है, ग्रोइंग पीरियड चल रहा होता है। तो उस समय में क्या होता है कि प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। फिर है शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए, जैसे क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी कोशिकाएं टूटती फूटती रहती है, नए नए ऊतकों का निर्माण होता रहता है, शरीर में निरंतर क्रियाशील रहने के कारण टूट फूट होती रहती है। और साथ ही कुछ अवस्थाओं में, जैसे मान लीजिए किसी दुर्घटना में लगी चोट, जलना, ऑपरेशन की क्रिया के दौरान भी टूट फूट मरम्मत करना, अंगों के निर्माण के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि फ्रेंड्स हम आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो डॉक्टर्स भी हमें क्या कहते हैं कि प्रोटीन युक्त लेने के लिए ज़्यादा कहते हैं। या फिर आप देखते हैं कि जब ऑपरेशन होता है, जब मान लीजिए किसी लेडी का सीजेरियन बेबी हुआ है, तो भी उस समय डॉक्टर उसे दाल का पानी और
दूध ये सारी चीज़ें खाने के लिए कहता है, ताकि क्या हो कि प्रोटीन की मात्रा जो प्रोटीन की जो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि शरीर के आंतरिक अंगों के टूट फूट इन सारी चीज़ों को सही करना। फिर आ जाता है फ्रेंड्स शरीर के कई रासायनिक क्रियाओं को नियमित करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। फ्रेंड्स रक्त में एक अन्य प्रोटीन भी होता है जिसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। मिसाल हाँ मैंने नोट डाउन नहीं किया है, फॉर नॉलेज आपको मैं बता रही हूँ कि रक्त में एक अन्य प्रोटीन होता है जिसे फाइब्रिनोजन कहते हैं, पाई जाती है, जो चोट के समय होने वाले रक्त प्रवाह को रोकने का कार्य करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने विटामिन पढ़ा होगा, तो विटामिन के पढ़ा होता है, तो विटामिन के में क्या होता है कि विटामिन के का जो एक वो सीक्वेंस बनता है, जो उसका एक रासायनिक संगठन होता है, उसमें भी ये फाइब्रिनोजन पाया जाता है। जो केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जो पढ़े होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि उसका बॉन्डिंग करके वो होता है, तो रक्त रोकने का भी ये कार्य करता है। और रक्त प्रवाह के समय फाइब्रिनोजन चोट के स्थान पर धागों का एक गुच्छा सा बना होता है जो रक्त प्रवाह को आगे नहीं आने देता है। फिर है फ्रेंड्स एंटीबॉडीज का निर्माण करना, एंटीबॉडीज बनाना जिससे कि सही में रोग प्रतिरोधक शक्ति शक्ति बनी रहे, और प्रोटीन ग्लोबुलिन विशेष रूप से इस कार्य में करते हैं। फिर होता है शक्ति प्रदान करना, इसमें फ्रेंड्स कुछ आवश्यक सारे यौगिकों का यह निर्माण भी करता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनका निर्माण करता है, जैसे मैं आपको बता दे रही हूँ हार्मोन जैसे इंसुलिन, एपिनेफ्रिन तथा थायरॉक्सिन प्रोटीन निर्मित होती हैं, और सभी एंजाइम प्रोटीन निर्मित होते हैं। फ्रेंड्स ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सभी एंजाइम जो होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन निर्मित होते हैं, लेकिन जो को एंजाइम होते हैं वो विटामिन द्वारा संयुक्त होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन निर्मित होते हैं, और जो को एंजाइम्स होते हैं वो विटामिन द्वारा होते हैं। फिर फ्रेंड्स है प्रोटीन के और भी कार्य मैं आपको बता दूं, जैसे रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन प्रोटीन पर आधारित होता है। आँख में पाया जाने वाला पदार्थ रोडोप्सिन जो कि दृष्टि में सहायक होता है, वो भी प्रोटीन द्वारा बनता है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आप प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाइए, और मेरे लेक्चर को काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जितने भी आपको मटेरियल दूंगी वो एकदम ऑथेंटिक और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आँखों में पाया जाने वाला पदार्थ रोडोप्सिन जो कि दृष्टि में सहायक होता है, प्रोटीन द्वारा बनता है। फिर एक होता है प्रोटोट्रिप्टोफिन, नायसिन के प्रीक्यूसर की तरह कार्य करता है, मस्तिष्क में यह सीरोटीन की तरह कार्य करता है, टायरोसिन टायरनिफ्रिन की तरह यह कार्य करता है। और फ्रेंड्स एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह पानी के संतुलन का भी यह नियंत्रण करता है। इस पानी के संतुलन का नियंत्रण करता है, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं और जो द्रव होते हैं उन्हें निश्चित रहते हैं, और यह संतुलन रक्त उपस्थित प्रोटीन तथा इलेक्ट्रोसाइट द्वारा बनाए रखा जाता है। और रक्त में उपस्थित प्रोटीन कण रक्त वाहिनियों की दीवार द्वारा बनाए नहीं जा पाते हैं, और वहीं से यह परासरण दबाव डालते हैं जिसे परासरण विधि द्वारा द्रव पुनः रक्त संचार में आ जाता है। फिर फ्रेंड्स यह आता है कि प्रोटीन बफर की तरह भी कार्य करता है, जैसे जिसमें जैसे किस तरह कार्य करता है, जैसे अम्ल तथा क्षार दोनों को अलग करने की यह क्षमता भी रखता है। यह शरीर में ज़्यादा अम्ल या क्षार को जमा होने से रोकता है, कि बफर की तरह कार्य करता है। इस प्रकार शरीर का पीएच मूल्य स्थिर बना रहता है, जो कि कोशिकाओं के चयापचय के लिए आवश्यक रहता है। फ्रेंड्स इसके बाद है ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करता है, जैसे पहले ही मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है, जो हमारे शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ाती है। फिर ये पोषक तत्वों का संग्रहण करता है सॉरी संग्रहण करता है। प्रोटीन पोषक तत्वों की आंत नली से रक्त में संवहन में सहायक होते हैं, तथा रक्त से विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचने में सहायक होते हैं, और विभिन्न तत्वों के प्रोटीन के विभिन्न वाहक होते हैं जिनकी सहायता से जुड़कर पोषक तत्वों का निर्माण होता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का पाचन। फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बता देती रही हूँ कि जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का पाचन हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है वो हमारे लार में नहीं होता है, ठीक है। यह इसका पाचन लार में नहीं होता है, इसका पाचन ये मैंने लिखा हुआ अभी कि मुंह में प्रोटीन पर कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, पक्वाशय में प्रोटीन का पाचन होता है, छोटी अतड़ियों में प्रोटीन का पाचन होता है, और बड़ी अतड़ियों में प्रोटीन का पाचन होता है। फ्रेंड्स फिर प्रोटीन का अभिशोषण, प्रोटीन का अभिशोषण
प्रोटीन का अपाचन होने से बने अमीनो एसिड का पिनोसाइटोसिस प्रणाली द्वारा रक्त में अभिशोषण होता है। अमीनो एसिड लाइसिन आर्जिनिन पूर्ण रूप से अभिशोषित होता है। देखिए फ्रेंड्स, अमीनो एसिड कई होते हैं, जो हमने कल आपको बताया था, जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं वो नौ होते हैं। तो इसमें जो कुछ अमीनो एसिड होते हैं कि जो तुरंत अभिशोषित हो जाते हैं, जिनका डाइजेशन तुरंत हो जाता है, और शरीर में अग्नाशय तथा छोटी तंत्रियों के प्रोटीन का सृजन सर्वाधिक होता है। ये सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, और यह है कि शरीर में अग्नाशय तथा छोटी अंतड़ियों के प्रोटीन का सृजन सर्वाधिक होता है। शरीर में सृजन का प्रमुख जो शरीर में सृजन का जो प्रमुख कार्य करता है वह यकृत करता है। कई अमीनो एसिड जैसे ल्यूसीन, फ्रेंड्स ये आप ये चीज यहाँ पे जो एक चीज लिखा है मैंने, ये मैंने दो बुक से पढ़ा था फ्रेंड्स। और इसमें एक चीज़ ये है, पहले हम इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। कि जैसे कई अमीनो एसिड जैसे ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनाइन, ट्रिप्टोफिन, सिस्टीन, आइसोल्यूसिन, फिनाइल अलनाइन तथा टायरोसिन, सिट्रिक एसिड, साइकिल में असीटिक एसिड का निर्माण करके ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। इसलिए इन समस्त अमीनो एसिड को कीटोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। ये अमीनो एसिड ग्लूकोज का निर्माण नहीं करते, मतलब जितने भी यहाँ पे मैंने अमीनो एसिड लिखे हैं ये क्या करते हैं, ये जो है ग्लूकोज का निर्माण नहीं कर सकते, और इन्हें कीटोजेनिक अमीनो एसिड कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक सिस्टीन है, फिर हमारा आइसोल्यूसिन है, फिनाइल अलानिन, टायरोसिन है, ये जितने चार दिए हैं, ये अमीनो एसिड, इतने अमीनो एसिड जो होते हैं ये ग्लूकोजोनिक अमीनो अम्ल भी कहे जाते हैं, जो ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं।